Hey, what's up guys and welcome back to another video. तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक अमेजिंग लॉक स्क्रीन, और ये कोई ऐसा ऐसा लॉक स्क्रीन है जिसको आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं कुछ भी टाइप करके। यहाँ पर आप इसकी जो रीसेट हिस्ट्री को क्लियर करना चाहें तो ये नहीं होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन का कुछ ऐसा फीचर है जिसकी मतलब मैं इसे जो है रिव्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप इसका टाइम देख रहे हैं, इस टाइम को भी आप ऐसा लॉक स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, यानी यही आपका जो लॉक होगा। तो यहाँ पर देखें 10:53, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 10:53 और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो मेरा जो है लॉक को ओपन कर देगा। तो इसी तरह आप जो है अपनी जो है फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से, और ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको जो है ऑफ कर लेता हूँ, और दोबारा इसको मैं यहाँ पर ऑन करके दिखा दूँ। यहाँ पर मैं अपनी फिंगर को अपनी फिंगर पर रखा हुआ अपना लॉक स्क्रीन, मगर ये ओपन नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10:54 हो चुके हैं। यहाँ पर मैं दोबारा 10:54 लिखता हूँ तो ये मेरी जो एप्लीकेशन को ओपन करेगा। वैसे ये मेरी एप्लीकेशन को ओपन नहीं करेगा, यानी सॉरी मेरे मोबाइल को ओपन नहीं करेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर किस्म की एप्लीकेशन है। और यहाँ पर देखिए इसका जो है नाम है स्क्रीन लॉक एंड टाइम पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले स्टोर से भी आप यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ओपन होते साथ ही सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है इसमें अपना जो है लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन जो है इसे इनेबल कर लेना है। उसके साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर चेंज सिक्योरिटी टाइप, आप यहाँ पर सिक्योरिटी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिन टू टाइम रख सकते हो। उसके साथ यहाँ पर अपना जो है लॉक रख सकते हो। उसके साथ यहाँ पर अपने कुछ कुछ अपने डेट वगैरह को भी रख सकते हो। उसके साथ यहाँ पर अपनी जो है कुछ भी पिन, अपनी ओनली पिन भी रख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का लॉक स्क्रीन है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम भी फेस नहीं आ रही, और कुछ ज़्यादा ऐड भी देखने को नहीं मिल रहे। तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मिलते हैं इंटरेस्टिंग हेल्पफुल में अगली दफ़ा। तब तक के लिए बाय बाय।